हमारे साथ मौजूद हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। सर, परिणाम आना शुरू हो चुके हैं, डाक मत पत्रों के बाद ईवीएम का पिटारा भी जो है खुल चुका है। अभी तक के परिणामों में बीजेपी आगे बढ़त निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, केवल अभी की बढ़त की बात मत करिए आप, फाइनल रिजल्ट आएगा तब भी भाजपा ही रहेगी। मध्य प्रदेश में कमल ही है, गांव में तो हमने कमल ही कमल खिलाया है, गांव की जनता ने भाजपा को शिरोधार्य किया और शहर की जनता ने भी पूरे मन से पूरे भाव से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उनका हेलीकॉप्टर तैयार, कहां उड़ेगा? ये दंभ है कांग्रेस का, ये कमलनाथ जी का दंभ है। वो फिर एक बार मध्य प्रदेश की गरीब जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं सेठ हूं, मैं करोड़पति अरबपति हूं, और कमलनाथ जी आप आज हेलीकॉप्टर में उड़ने की बात कर रहे हो, 15 महीने आप जमीन पर रहते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। उस समय भी आप हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, और किस बात के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखा? क्या धमका रहे हैं? क्या चमका रहे हैं? क्या अपनी करोड़ों की संपत्ति को बताना चाहते हैं? और दूसरा, कमलनाथ जी ने एक लिस्ट भी निकाली है कि ये नेता यहाँ, ये नेता वहां, वो नेता वहां रहेगा। ये लिस्ट भी केवल कमलनाथ के अहंकार को प्रदर्शित करती है और वो ये बात स्थापित करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में केवल वही नेता है। दिग्विजय सिंह केवल तुम भोपाल के नेता हो, गोविंद सिंह तुम होगे नेता प्रतिपक्ष पर हो केवल ग्वालियर के नेता, विवेक तनखा हो गए आप अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के वकील पर हो केवल जबलपुर के नेता, सुरेश पचौरी केवल इंदौर जाओ। ये कमलनाथ ने इसीलिए किया है कि वो चाहते हैं कि केवल मैं स्वयं ही मध्य प्रदेश का नेता हूं, इसलिए ये दंभ और अहंकार है। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं, क्या अधिकारी और कर्मचारी वर्ग को डराया जा रहा है? देखिए, ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। ये चुनाव आयोग को बदनाम करना, कभी ईवीएम पे को गाली देना, कभी मुझे गाली देना, कभी मंत्री को, कभी विधायक को गाली देना, ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। ईवीएम पर लगातार कांग्रेस निशाना साधती नजर आ रही है। अब देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम की बात करती है, जीतती है तो सब कुछ अच्छा होता है। ये फिर मैं कहूंगा कि जब हारते हैं और हारने का जब पूर्वानुमान हो जाता है तो केवल अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान आते हैं। क्या बीजेपी 16 नगर निगम सीटें यथावत रखेगी आज 11 के परिणाम? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि प्रचंड मतों से जो है बीजेपी का झंडा फहरता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश में, और परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हुई है और इसके साथ ही अब जो है ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।